नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर के साथ, जहां पर जवानों की शहादत पर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसका इजहार करते हुए शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा है कि चीन को सबक सिखाना जरूरी है, इसके लिए केंद्र सरकार को कड़े फैसले लेने चाहिए। केंद्र सरकार कड़े फैसले ले। गृह मंत्री ने कहा है कि रक्षा करते हुए देश की जवान शहीद हुए हैं, सभी जवानों पर हमें गर्व है। साथ ही कहा है कि कांकेर के शहीद जवान गणेश कुंजाम के परिजनों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा। चीन भारत बॉर्डर पे जो शहीद हुए हैं उसको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उस जाबाज सैनिक को चीन हमेशा धोखा देता रहा भारतवर्ष को, इस बार भी ऐसा ही कुछ नज़ारा समझ में आ रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत चीन सीमा पर क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री देशवासियों को जवाब दें, जानकारी दें। हमें गर्व है अपने सेनाओं पर, और लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि चीन से सख्ती से मुकाबला करे, मुंह तोड़ जवाब दे। इस प्रकार हमेशा धोखा खाना उचित नहीं है, तो इसलिए प्रधानमंत्री को विशेष तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए।